जा रहे हैं आज हॉस्पिटल आराम से, पीछे कर दे क्या सीट, ठीक है। उठ गए जी सुबह सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और बाबू जो है रात में 3-4 बार उठाया है और अब तो इसकी आदत ही डालनी पड़ेगी, कुछ ऐसा ही शिफ्ट रहेगा हमारा। अभी नैन्सी दीदी की मम्मी है तो बहुत सारा सपोर्ट भी मिल जाता है, जैसे उन्हें जो है प्रॉपर सब कुछ आइडिया है बच्चे के बारे में कि कब मालिश करना है क्या करना है, और उनसे हम सीख भी रहे। जब वह चली जाएगी तब यह सब जो है हमें करना पड़ेगा। और जहां तक मम्मी की बात है, मम्मी को उतना आइडिया है नहीं। जब हम जन्म लिए थे तब मेरा भाई जन्म लिया था तो मम्मी जो है उस समय ड्यूटी कर रही थी, तो कुछ आइडिया था नहीं, तो मम्मी को जो ऐसा कुछ आइडिया है नहीं बच्चे को पालने का। लेकिन हाँ, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चाहे 2 साल का हो जाए 3 साल का हो जाए, उसके बाद से मम्मी पूरा देखेगी। तो ऐसी कुछ स्थिति है, जब हम 6 महीने के थे और जब मेरा भाई शायद 7 महीने या 5 महीने का था, तब मुझे जो है नानी लेकर के चली गई थी नानी गाँव, और मेरा जो छोटा भाई है जो है हमारी मम्मी लेकर के चली गई थी, मम्मी जी जो मौसी है जो अभी आई हुई है यहाँ पर, वो लेकर के चली गई थी वो लखनऊ। तो मोनू का जो बचपन है लखनऊ में बीता है, मेरा जो बचपन है अपने नानी घर जो है सहरसा वहाँ पर बीता है। फ्रिज से निकाल देते हैं जी पपीता, पपीता को बाहर रख देते हैं ताकि जब यह नॉर्मल हो जाएगा तब इसको काटेंगे फिर खाया जाएगा। तो आज है जी बाबू का बरही, तो बरही जो है आज बाबू का जन्म हुए आज हो गया है 12वां दिन, उसको लेकर के जो है आज घर में चल रही है तैयारी। और यह माँ जो है क्या कर रही है, ब्लाउज सिल रही है, कली से सिल रहे हैं बाबू को खिलाने के चक्कर में, पूरा नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं, करो पूरा, कढ़ी बड़ी बनता है, कढ़ी बड़ी। हाँ, सारी व्यवस्था तो है मेरे पास, सिर्फ खट्टा दही नहीं। खट्टा दही मिलेगा कहाँ से, होटल मिल जाएगा खट्टा दही, अभी पूछे बोले होटल में खट्टा दही मिल जाएगा, बोले कढ़ी बड़ी में देने वाला दही। ठीक है चलो तब लाते हैं। बच्चे के माँ को तो दादी दे दी नया कपड़ा, बच्चे को भी, तो मेरा पोता है उसके लिए तो सारा चीज उसी का, लेकिन बच्चा दादी में दो बहन में किसी को बड़े कपड़ा नहीं मिल जाएगा। देखो मिल नहीं जाएगा, वहाँ पे दुकान पे जाएंगे, पोता हुआ है भगवान के दया से मेरा बेटा सकुशल संपन्न है। अच्छा, तो दुकान में बैठ के जो हम पसंद करें वो मेरा बेटा देगा। वाह बहुत बढ़िया। धन का उत्तम गति दोनों हाथ से दान है, इतना दान करोगे खर्च करोगे महादेव उतना ही देंगे। तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर सीमा मिश्रा का, इतना सब कुछ होते हुए व्यवहार से भी अच्छी है, और भगवान करे उसका प्रोफेशन जो है बहुत आगे बढ़े, और इतना दिन बाद मुझे अपने एक सहेली के रूप में पहचानी। थोड़ा सा पानी गर्म कर देते हैं। बरही के दिन जी बरही तक जो भी कपड़ा इस्तेमाल हुआ होता है उन सभी को धुला जाता है, देख सकते हैं सारा पर्दा सब हटा दिया गया है, जितना भी बेड है जी सभी का बेडशीट जो है धुलने के लिए दे दिया, तकिया का कवर भी दे दिया गया है धुलने के लिए। तो आज घर का जितना भी इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है सभी की धुलाई होगी, ऊपर में जगह बचेगा भी नहीं कपड़ा सुखाने के लिए कि नहीं वो देखा जाएगा। आधा कपड़ा डलेगा टंगनी पर, आधा क्या 10% कपड़ा टंगनी पर, 90% अच्छा बाकी 90% कपड़ा जो है डल जाएगा कुर्सी पर, डलेगा दीवार पर। वॉशिंग मशीन का कपड़ा गारा हो रहा था उसका पानी तो गिर जाता है, तो उसमें हवा लगेगा सूखते जाएगा। वैसे धूप भी काफी तेज है, अभी 9 बजे ऐसा गर्मी है, भगवान करे 3 बजे से पहले बरसाने को, जैसा भी हो। और बात क्या है कि टंकी का पानी जो भी है इतना गर्म हो चुका है, अभी पूछो मत, हमेशा ऐसा गर्म होता था दोपहर के 12 बजे 1 बजे, अभी 9 बजे ऐसा गर्म हो चुका है, 3 बजे से पहले भगवान के पास है बरसाने। चल रहे हैं जी बाहर, बाहर जाने से पहले थोड़ा सा कैप लगा लिया है क्योंकि धूप इतनी तेज है कि उसको बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ चलेंगे और कुछ सामान लेना है तो सामान ले लेते हैं। यहाँ तक तो हमें शेड ने बचा लिया, लेकिन यहाँ से जैसे आगे जाएंगे तो धूप का सामना करना ही पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली जैसा सिचुएशन तो है नहीं जी, वहाँ पर क्या होता था दुनिया भर के ऐप है, अमेजोन फ्रेश हो चाहे सुपर डेली हो, इस तरह के कई सारे ऐप थे, बिग बास्केट डेली हो, बीबी डेली जो होता था, तो उसमें कोई भी जो ग्रोसरी होता तो उसको बस एक रात पहले रात 11 बजे तक ऑर्डर कर दिए और सुबह 5 से 6 बजे घर के पास आके छोड़ जाता था, लेकिन उसका भी अपना एक अलग मजा है। और इस तरह से यहाँ दुकान जाकर के खरीदारी करना इसका भी एक अलग ही मजा है, इसी बहाने थोड़ा सा चल भी लेते हैं, शरीर का वर्कआउट भी हो जाता है। प्रीतम बटर देना, तो बटर नहीं होगा, बटर नहीं होगा, कोई ब्रश दे दो कोई अच्छा वाला हो। कितने का? 40 का ले लिया जी सारा सामान, चलते हैं यहाँ से। और इन लोग का जो हमेशा हाल समाचार भी ले लेते हैं। दीदी ये लो दूध, रख देते हैं यहाँ पर। तो निकल रहे हैं जी मार्केट, इस भरी धूप में कुछ सामान लेना था, घर में आज बन रहा है कढ़ी बड़ी, तो उसमें खट्टा दही का इस्तेमाल होता है, तो आसपास तो मिला नहीं, या किसी होटल में ही मिलेगा, तो चलते हैं किसी होटल, वहाँ से लेके आ आते हैं सामान।
हमने कैश निकाल लिया जी। बहुत दिनों बाद इस एटीएम का यूज कर रहे थे तो लग रहा था कि पिन नंबर याद भी है कि नहीं, लेकिन पिन नंबर सही था तो यह अच्छी खबर थी। तो चलिए आप बाकी की खरीदारी करते हैं। भैया खट्टा दही लेना था, खट्टा दही होगा? खट्टा दही हाँ दीजिएगा, 30 रुपये दे दीजिए। 35 रुपये नहीं आ रहा है दे दीजिए, खुला दीजिए। भैया अभी एटीएम से निकाले हैं नहीं, फोन पे लेते हैं भाई। ये कह रहे हैं 500 का नोट है मेरे पास, ले लीजिएगा दे देंगे। तो चलिए जी दही ले लिया, करी में डालना है दही, इसको रख लेते हैं डिग्गी में। अब चलते हैं मेडिकल स्टोर, वहाँ से एक ट्यूब लेना था हमें। भाई धूप कितनी है, खतरनाक धूप है भाई साहब, मजबूरी में ही निकलना होता है यहाँ धूप में। न्यूज़प्रिंट का ट्यूब होगा? न्यूज़प्रिंट हाँ दीजिएगा। कैसे 108 है, 200 होगा। चलिए ये ट्यूब ले लिया, ट्यूब के बाद अब क्या लेना था, एक अमूल बटर लेना था। देखते हैं आसपास तो मिल ही जाना चाहिए, रास्ते में ही मिल जाएगा जब घर जाएंगे, तो वहीं ले लेते हैं। मतलब पेंसिल जो आता है कपड़ा पर मार्क करने के लिए सिलाई के टाइम जो यूज होता है, यही है। पेंसिल होगा? नहीं है ठीक, कोई नहीं। कैसे 6 रुपये दी? अब इस धूप को झेलना मुश्किल है जी, तो सीधा चलते हैं घर। एक सामान लेना है वो रास्ते में मिल ही जाएगा, चले कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलते हैं सीधा घर। अमूल बटर होगा भैया? दीजिएगा। कैसे है? 105। तुम्हारा पैसा है? तुम्हारा ही पैसा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। या 1 रुपया दे देंगे, 1 रुपया दे देंगे। चलिए जी एक बटर लेना था, वापी बटर भी ले लिया। अब इन सबको रखते हैं डिग्गी में। आज जो है दो दो जगह उधारी हो गया, एक दुकान में 5 रुपया बाकी रह गया और एक दुकान में जो 1 रुपया बाकी रह गया। गजब बेइज्जती है। हुआ ये मेरे पास खुले नहीं, ना उनके पास खुले और उनके, और फिर उनको पूछ रहा हूँ UPI पेमेंट ले लो भाई साहब, तो कह रहे हैं UPI भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, बाद में आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, बाद में दे देना, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे यहाँ पर खरीदारी करने तो उनको लौटा देंगे। ओहो, बात करते करते यहाँ देख रहे हैं सूर्य देवता जो है कुछ देर के लिए गायब है और मौसम बड़ा बेहतरीन कर दिया है। जब तक हम घर नहीं पहुँचे सूर्य देवता आप ऐसे ही छिपे रहो। हाय 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 हाय, क्या मस्त मौसम लग रहा है। ये जो इलाका है यहाँ दोनों तरफ से जो है पेड़ जो है एक अच्छा खासा शेड दिया हुआ है, ऐसा रहे सारा रोड मजा आ जाए, लेकिन ऐसा होता है नहीं। अब जो है सूर्य देवता फिर से प्रकट हो गए और अब जो है धूप से बच नहीं सकते हैं, धूप का सामना करना ही पड़ेगा। चलते हैं, कोई बात नहीं। जय बजरंगबली। हनुमान मंदिर था इधर, इस बार उधर से नहीं जाना है भाई साहब, बहुत पानी है। सीधा चलते इस इलाके से, और इस इलाके से जो गाड़ी मोड़ने में जो दिक्कत आती है जब 4-व्हीलर लेकर के आते हैं, जो भी ब्लॉग पहले से देखते होंगे को अंदाजा होगा। और यहीं पर एक बार मेरी गाड़ी ठुक गई थी। ले आए दही मिल गया, लाइट अभी तक नहीं आया। अब इन्वर्टर जो है लाइन ही नहीं है तो फिर इन्वर्टर किया, मोटर कहाँ चलेगा। तो यहाँ बाबू का जी नहाना हो गया है, अब इसको जो है कपड़ा पहनाया जा रहा है। कपड़ा उपड़ा पहन लेगा, अभी तो हमारा बाबू बहुत ही छोटा है, जो भी कपड़ा लाते हैं इसके बाबा फान हो जाता है। इसका 0 साइज जल्दी मिल ही नहीं रहा था, नहीं मिल रहा है। अब तेल लगा के करेंगे, फिर आप आशीर्वाद दीजिए मेरा बाबू जल्दी जल्दी से मोटा हो जाए, कि हर कपड़ा इसको फिटिंग आ जाए। अभी तो बस वैसे ही पहन लेता है, अभी कुछ भी पहना देते हैं बाबू को, जो बड़ा होगा तब ना कहेगा ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे। बिल्कुल, अभी जो मर्जी पहना देते हैं इसके बाबा के साथ पहना देंगे। अब यहाँ लगता है बाबू का सुसु था? नहीं सुसु नहीं था, पानी था। अच्छा पानी था, इसके सुसु पर पड़ चल गया। नहीं नहीं पानी था। तो यहाँ हमारा लग गया जी खाना, यहाँ कढ़ी वड़ी और साथ में भिंडी का भुजिया। लाइट तो है नहीं, जो पंखा चलाएंगे, इसी गर्मी में भोजन को ग्रहण करना होगा। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई है। जी हाँ, इस गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल। जिया का जो है ऑपरेशन का स्टिच आज वहाँ खुला है, तो जिया को आज लेकर के जा रहे हैं। डिलीवरी हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो 10वें दिन बुलाया था डॉक्टर ने, तो सीधा चलते हैं। तो जिया भी है तैयार, तो चल रहे हैं हॉस्पिटल आराम से। पीछे कर दे क्या सीट, ठीक है
तो पहुंच गए जी डॉक्टर के पास, अपना गाड़ी पार्क में लगा दिया है, जिया अंदर गई हुई है, तो हम भी सीधा चलते हैं उसके साथ। बिल्कुल जी, बहुत ही डर करके गए थे, हमें लगा था आज भी पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा। हम तो भगवान का नाम ले रहे थे, जब वो मेरा काट रहा था ना स्टिच, हाँ तो हम भगवान का नाम ले रहे थे, और जब मेरा ऑपरेशन भी हो रहा था ना सेंस में तो थे ही, उस टाइम भी हम भगवान का नाम ले रहे थे, सोच रहे थे उस टाइम हमको डर नहीं लगा, तो अभी भी डर नहीं लगेगा, वो तो बहुत था, ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था इसमें। और बहुत ही मजे से जिया जो है अपना स्टिच खुलवा करके आ गई है, और यहाँ पर जो गए हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा सभी का, सारे लोग बिल्कुल अच्छे से किए, और आंटी जी से भी मिले जो डॉक्टर थी उनसे भी मिले, और एकदम फैमिली टाइप का लगता है, जब हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि हॉस्पिटल आए। बिल्कुल बिल्कुल, और आंटी जी ने जो है कुछ कुछ मेडिसिन लिखा है, लेकिन सारे वो ताकत वाले सब है, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मतलब हार्ड वाला, अब वो समय गए मेरे, हम बोलते हैं भगवान और फिर मुझे डॉक्टर के पास ना ले गया। जब जा रहे थे तो हम इनको बोले बहुत डॉक्टर डॉक्टर नहीं आना, हमको डॉक्टर के पास बहुत डर लगता है। तो लेकिन बेबी को लेकर के तो आना ही होगा दूसरे डॉक्टर के पास। आगे से चलिए, गाड़ी साफ भी करना पड़ा था क्या? हाँ थोड़ा सा झाड़ दिया था क्योंकि आगे गंदा है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं जी चौक पर, यहाँ जिया पी रही है नारियल पानी, और आंटी जी ने भी कहा है कि नारियल पानी खूब पीने के लिए, तो जिया पिएगी तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी पिएंगे। आप बोली थी क्या प्रेगनेंसी के बाद तुमको नहीं मिलेगा पीने के लिए? कोई नहीं, तुम ही कह रही थी प्रेगनेंसी के बाद पियेंगे नहीं, लेकिन पी रही है ना आंटी, बोली तो अब पीना ही पड़ेगा बाबू के लिए। 20 मिनट्स लेटर हॉस्पिटल से लौट आए जी, जिया को छोड़ दिया है रूम पर, गाड़ी भी यहाँ पर लगा दिया, अब हम भी सीधा चलते हैं रूम। तो फाइनली जी पहुंच गए घर, और घर पहुंच करके जो है अपना थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया है, क्योंकि भूख लगी थी काफी तेज। कटहल का सब्जी बहुत अच्छा बना हुआ है, नाइस। भिंडी हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी फायदेमंद चीज है, खा लेते हैं किसी भी तरह। दाल दाल तो बस नॉर्मल चीज है, हम सुगंध ले रहे हैं कटहल का, हम सुगंध ले रहे हैं ये खा रहे हैं, और आम की चटनी। हम जाएंगे तो अपना बाबू लेके जाएंगे, हम लखनऊ में रखेंगे अपना बाबू, पोता बिना हम भी नहीं रह सकते, हमारे बिना पोता भी।